हरदोई में सीतापुर जाने वाले मार्ग को बनवाए जाने के लिए किसान यूनियन ने कुल्हावरपुर के पास जल सत्याग्रह शुरू किया है। किसान नेताओं का कहना है कि लगभग 24 किलोमीटर के मार्ग पर 326 गांवों के करीब 52,000 गन्ना किसान समेत अन्य को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। हरदोई जनपद से सीतापुर को जोड़ने वाले बिहानी कुल्हावर घाट पर किसानों के द्वारा जल सत्याग्रह किया जा रहा है। इसका नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन अवध संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्याम शुक्ला द्वारा किया जा रहा है। इस जल सत्याग्रह के दौरान प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह चौहान, सदर तहसील अध्यक्ष भोले सिंह, शाहबाद तहसील अध्यक्ष राहुल मिश्रा समेत सैकड़ों की संख्या में किसान नदी में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इस मार्ग को सही कराए जाने के लिए कई बार शिकायती पत्र दिए गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मामले की सूचना पाकर मौके पर कोतवाल बिहानी महेश चंद्र व तहसीलदार शाहबाद भी पहुँचे। किसान नेता फिलहाल जल सत्याग्रह कर रहे हैं। अमन लेखनी से संवाददाता देवेंद्र सिंह। कारण ये कार्यक्रम चल रहा है जनपद सीतापुर की विधानसभा महोली से, और जो कुल्हा पिहानी तक का मार्ग है या कई वर्षों से अति जर्जर दशा में पड़ा है, जिस पर अभी पिछले महीने में दो किसानों की जान जा चुकी है इसी कुल्हा घाट पुल पर, इसलिए हम लोगों ने इस सड़क के निर्माण के लिए 15 मार्च को व 3 मार्च को दो पत्र लिख करके इसके निर्माण कार्य की बात कही थी, जिस पर जिला प्रशासन ने आज तक किसी तरह का संपर्क नहीं साधा। आज हम लोग अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर जल सत्याग्रह करने लगे, तब इस क्षेत्र के विधायक जो हैं शशांक त्रिवेदी जी माननीय, उनके द्वारा एक जो है भ्रामक ही हम कहेंगे कि भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर फैला करके लोगों को यह बताया जा रहा है कि यह सड़क स्वीकृत हो गई। मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं, मैंने प्रशासन के समक्ष अपनी जो है सूचना प्रेषित की थी, यदि यह सड़क स्वीकृत थी तो पूर्व से जो तय कार्यक्रम था उसके पहले ही संगठन को यह बात लिखित रूप से बतानी चाहिए थी, और अगर नहीं बता पाए थे तो आज हमारा इस कार्यक्रम में आकर के लोक निर्माण विभाग के लोग यह बात मंच से आकर के बताएं कि यह रोड स्वीकृत है और इसका कल परसों या 10 दिन में 15 दिन में निर्माण कार्य शुरू हुआ कराया जाए।